किसान भाइयों नमस्कार, मैं पीएन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई गेहूं भी श्रीराम सुपर 303 और श्रीराम सुपर 5SR05 के बारे में जानकारी चाहते हैं। उनका कहना है कि दोनों में क्या अंतर है, वर्तमान में दोनों बीज की दुकान पर उपलब्ध हैं, तो दोनों में से किसे खरीदें, कौन देगा गेहूँ की ज़्यादा पैदावारी। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से किसे खरीदें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, जैसा कि श्रीराम सुपर 303 श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जैसी अच्छी कंपनी का बीज है, यह दशकों से किसानों के बीच में गेहूँ की एक नामी किस्म है। गेहूँ की अच्छी पैदावार 303 से मिलती है, यही कारण है कि महंगा बीज होने के बावजूद किसान खरीद कर इसकी बुआई करते हैं। वहीं श्रीराम सुपर 5SR05 भी श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी का ही बीज है। यह अभी गेहूं की नई किस्म है। यह 125 से 130 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसकी बुआई अगेती एवं पछेती दोनों समय में किया जा सकता है। इसके पौधे की हाइट 95 सेंटीमीटर तक होती है। पौधे से कलों का फुटाव भी अधिक होता है। पौधा तने का मजबूत होता है जिससे फसल गिरती नहीं है। इसकी बाली लंबी और बाली में 80 से 90 दाने तक होते हैं। इसके 1000 दानों का वजन 48 ग्राम तक होता है। इससे गेहूं की औसत पैदावार 20 से लेकर 26 कुंतल तक मिल सकती है। इसमें कुल 3 से लेकर 4 सिंचाई की आवश्यकता होगी। इसकी बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां गेहूं की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। यह भूरा और पीला रतुआ के लिए सहनशील किस्म है। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए बीज दर 40 किलोग्राम लगेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि फसल पकाव के समय पौधे का झंडा पत्ता पूरी तरह से हरा रहता है, जिससे दानों को अंतिम समय तक पोषण मिलता रहता है। जिसका परिणाम यह होता है कि गर्म पछुआ हवा चलने पर भी दाने मरते नहीं हैं। श्रीराम सुपर 303 भी 125 से 130 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसके पौधे की हाइट लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधे से भी 12 से 15 कल्ले तक मिल जाते हैं। इसकी बाली लंबी और इसके हर बाली में 80 से 85 दाने तक होते हैं। दाने मजबूत, मोटे और रंगदार होते हैं। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम तक होता है। इसमें कुल 3 से लेकर 4 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसकी बुआई अगेती एवं पछेती दोनों समय में किया जा सकता है। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज लगता है। इसकी बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ गेहूँ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। किसान बताते हैं कि श्रीराम सुपर 303 से गेहूँ की औसत पैदावार प्रति एकड़ 18 से लेकर 25 कुंतल तक मिल जाती है। यह भी पीला भूरा रतुआ बीमारी के लिए सहनशील किस्म है। इसका भी तना मजबूत होता है जिससे फसल गिरती नहीं है। किसान भाइयों, दोनों एक ही समय अवधि में तैयार होने वाली गेहूं की वैरायटी हैं। दोनों संशोधित किस्म हैं। दोनों की पैदावार लगभग एक समान है। हमें लगता है कि श्रीराम सुपर 303 का 5SR05 एक अपग्रेड वर्जन है, क्योंकि इसका भी फसल प्रदर्शन श्रीराम सुपर 303 जैसा ही होता है। इसलिए दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे समझ से श्रीराम सुपर 5SR05 लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह एक नई किस्म है और गेहूं की ज़्यादा पैदावार देगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।